जिला हमीरपुर के नगर निकाय चुनावों में विधायकों की टीम को जनता ने सिरे से नकारने का काम किया है। जहां हमीरपुर नगर परिषद में विधायक नरेंद्र ठाकुर की घोषित टीम में से 5 ही उम्मीदवार जीत पाए हैं, तो वहीं नादौन विधानसभा में नगर पंचायत चुनावों में पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष एवं विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रत्याशियों के हार होने से किरकिरी हुई है। नगर परिषद सुजानपुर में भी कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा की टीम के 4 ही प्रत्याशी जीतने से एक बार फिर से सुजानपुर में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद आजाद प्रत्याशी के समर्थन से बनेगा। नगर पंचायत भोटा में भाजपा के बागी उम्मीदवार जीत कर आए हैं, जिससे कांग्रेस विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के अलावा भाजपा जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा की हाथ पर भी प्रश्न चिन्ह लगा है, क्योंकि वर्तमान में जिला अध्यक्ष भाजपा अध्यक्ष बड़सर से ही है। सत्ता का सेमीफाइनल कहे जाने वाले नगर निकाय चुनावों में जनता के द्वारा वर्तमान विधायकों की टीम पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भी हारे हैं, जिससे 2022 में होने वाला विधानसभा चुनावों में पार्टियों को कमर कसनी पड़ेगी। बता दें कि नादौन नगर पंचायत में 7 वार्डों में से 4 वार्ड में बीजेपी जीती है, तो कांग्रेस केवल मात्र एक ही वार्ड पर जीत दर्ज कर पाई है। हर बार नादौन में कांग्रेस के उम्मीदवार जीत कर आते थे, कुछ ऐसा ही हाल नगर पंचायत बोटा में देखने को मिला, जिसमें 4 सीटों पर बागी उम्मीदवार जीते हैं तो 2 पर भाजपा समर्थित और 1 पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल की। इन चुनावों में विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के नजदीकी माने जाने वाले नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों को ही हार का सामना करना पड़ा है। सुजानपुर नगर परिषद में विधायक राजेंद्र राणा की टीम भी खास काम नहीं कर पाई और केवल 4 ही वार्ड में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीते हैं, जबकि 4 पर भाजपा का कब्जा हुआ और 1 निर्दलीय जीता है। दोनों ही पार्टियों ने निर्दलीय उम्मीदवार को अपने पक्ष में करके ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा करना होगा।